डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है फ्लाइट, और आप सबको पता है कि जब भी वर्ड हम फ्लाइट सुनते हैं तो इसका मतलब होता है उड़ान, यानी किसी चीज का उड़ना। और जब हम जूलॉजी में पढ़ते हैं कि कौन से ऐसे एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं जो उड़ सकते हैं, तो हमारे माइंड में बेसिकली दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, एक होते हैं बर्ड्स और एक होते हैं इंसेक्ट्स। तो जो मेजर फ्लाइंग फीचर है वो बर्ड्स का है। तो आज हम पढ़ेंगे फ्लाइट के बर्ड्स कैसे उड़ते हैं, इनमें विंग्स की टाइप्स कैसी हैं, और इनके विंग्स में कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो इनको उड़ने में हेल्प करते हैं, और इन्होंने जब उड़ान भरनी हो तो क्या इनकी अपीयरेंस होती है, और जब इन्होंने लैंड करना हो तो क्या। इसके साथ साथ एक और फीचर भी है कि इन्होंने एक जगह पर रुकना है, एक जगह पर रुकना है वो भी जमीन से ऊपर, तो ये खुद को मेंटेन कर सकते हैं एक जगह पर, अपने परों को जैसे मर्जी ये फ्लिपिंग करें, उनकी जैसे वो मर्जी उनको घुमाएं, लेकिन वो एक जगह खुद को सस्टेन भी कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि जो बर्ड्स हैं जब वो नेक्टर लेने के लिए जाते हैं तो वो फूल के साथ कुछ देर रुकते हैं, और उनका रुकना ऐसा है जैसे हेलीकॉप्टर एक सस्टेन जगह पे जाके खुद के जो पर है उसको घुमाए और एक जगह पर ठहर कर कोई ऑब्जर्वेशन करे। तो इस तरह इनमें भी, इसको हॉवरिंग फ्लाइट कहते हैं, इसके बारे में आगे चलते पढ़ेंगे। द विंग्स ऑफ बर्ड्स इज द विंग ऑफ बर्ड्स इज अडॉप्टेड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लाइट। डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लाइट ऑफकोर्स, उनका उड़ान भरना या नीचे वापस आना या एक जगह खुद को सस्टेन करना, मेंटेन करना, ये काइंड ऑफ फ्लाइट ही तो है। बर्ड्स कैन सोर ऊंचा जाना, इस वर्ड को आपने गौर से देखें जी, हमारे टॉपिक में ये बार बार आएगा, ऊंचा जाना यानी फ्लाइट भरना, उड़ान भरना। इसके साथ साथ ग्लाइड्स आर फ्लैप देयर विंग्स, और फ्लैप करना विंग्स को यानी उड़ना। तो जब कोई परिंदा अपने पर मारता है तो जाहिर है कि वो उड़ता है, तो इसको कहते हैं जी ग्लाइड्स। सोर ग्लाइड्स एक साथ आर फ्लैप देयर विंग्स, अपने पर मारना और फिर उड़ान करना। बट इन ऑल केसेस दे यूज द सेम मैकेनिज्म, तरीका जो मर्जी हो, फ्लाइट का टाइप जो मर्जी हो, लेकिन इनको उड़ना ही तो है, और किसकी मदद से, वो भी विंग्स की मदद से। तो सबसे पहले जी हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ फ्लाइट, के फ्लाइट का मैकेनिज्म क्या है। तो सबसे पहले सब हेडिंग है जी अपलिफ्ट, अपवर्ड लिफ्ट। तो जैसा कि लफ्ज बता रहा है कि परिंदे का जमीन से ऊपर उठना, कि जब वो उड़ान भरता है तो उसमें क्या ऐसी चेंजेस आती हैं, या क्या वो मूवमेंट्स ऐसी करता है कि बर्ड्स उड़ भी जाता है, और अगर उसके जो विंग्स हैं उसकी मूवमेंट की वजह से ही वो उठता है, तो क्या उसके बाकी जो है नर्वस सिस्टम उसमें जो मौजूद है, नर्व स्ट्रक्चर्स उसमें मौजूद है, क्या उसमें रोल प्ले नहीं करता। उसकी आईज जो है वो आसपास नहीं देखती, क्या हम देखते हैं कि बर्ड्स को जब हमसे खतरा होता है वो दूर क्यों चले जाते हैं। तो सब कुछ नर्वस कंट्रोल में है, तो तमाम चीजें कनेक्टेड है। विंग्स ऑफ बर्ड्स फॉर्म एन एयर फॉयल, जहाजों के परों की तरह जी, जहाज के परों की तरह जी इनके भी पर होते हैं। द अपर सरफेस ऑफ द विंग इज स्लाइटली कन्वेक्स, तो आप जब विंग्स देखते हैं, आप खुद ही बैठकर इमेजिन करें कि जब परिंदे का पर हम देखते हैं तो वो फोल्ड ऐसा ही फोल्ड है कि जैसे कन्वेक्स, अगर हम उसको एक्सटर्नली देखें तो, और जब इंटरनली उसका देखें कि वो जहां पर उसके इस्तेमाल हो जाते हैं एंड पर जाकर, अगर हम पिजन की बात करें तो वो कनकेव लुक भी देता है। द लोअर सरफेस इज फ्लैट और स्लाइटली कनकेव, तो अगर हम पर को बिल्कुल ऊपर करें जैसे पिजन के पर होते हैं, तो अंदर से जो उसकी सरफेस होती है वो कनकेव होती है। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम हथेली को थोड़ा सा कर्व दे दें तो इसकी जो वेंट्रल साइड हो जाएगी, वो जो वेंट्रल साइड है वो इसकी कनकेव हो जाएगी, और जो हमारी डॉर्सल साइड होगी वो कन्वेक्स हो जाएगी, और बिल्कुल ये पर जैसी शेप हो जाएगी। तो एयर मूव्स फास्टर ओवर द विंग देन अंडर इट्स, जब पर चलाना शुरू करते हैं बर्ड्स तो एयर जो है वो उनके जो पर हैं उनके ऊपर से ज्यादा तेजी से गुजरती है और नीचे से नहीं, और
अगर वो नीचे से नहीं गुजरेगी तो एयर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा. इट डिक्रीजेस एयर प्रेशर ऑन द अपर सरफेस ऑफ विंग. तो अगर ऊपर हवा तेजी से गुजरेगी तो हमने देखा है कि जहां हवा की जनरल मूवमेंट या एयर फास्ट होती है वहां प्रेशर लो होता है. आपने जो है एफएससी में बर्नौली इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा था तो उसमें सारा का सारा यही प्रोसीजर था और उसमें भी आपने पढ़ा था कि बर्ड्स कैसे फ्लाइट कर सकते हैं और एरोप्लेन कैसे फ्लाइट करता है और कैसे जो है ना एक तेज चलती गाड़ी आपको करीब से अपनी तरफ भी खींच सकती है. तो इस तरह लो प्रेशर ऑन द अपर सरफेस क्रिएट हो जाता है, दैट्स इट लिफ्ट्स द बर्ड अपवर्ड्स और फिर यही हेल्प करती है कि परिंदा ऊपर की तरफ उठे. द लिफ्ट ऑफ द विंग मस्ट बी मोर देन द वेट ऑफ द बर्ड्स. इसके लिए एक शर्त है, परिंदे का फ्लाइट भरने के लिए, उड़ने के लिए एक शर्त है कि ये जो अपलिफ्ट है, ये जो लिफ्ट है, लिफ्ट के लिए फोर्स है, ये ज्यादा होनी चाहिए उस बर्ड के वेट से. तो इसलिए परिंदे हमें नजर आए कि परिंदा बहुत मोटा है लेकिन उसको हम हाथों में पकड़ें तो वो बहुत हल्का होता है. आपने शायद ये कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया लेकिन मैंने ये काफी बार किया है कि हम परिंदे को खुद अपने हाथों में उठाएं तो वो बहुत हल्का होता है, देखने में वो हमें भारी लग रहा होता है. आप एक अच्छे सेहतमंद पिजन को कभी देखें तो आपको दूर से ऐसे लगेगा वो बहुत भारी है, जब आप उसको हाथों में उठाएंगे तो ऐसे लगेगा जैसे आपने गुलाब का फूल उठाया. तो द एयर इन फ्रंट ऑफ बर्ड क्रिएट्स रेजिस्टेंस. लेकिन जब वो उड़ना शुरू करता है तो एयर रेजिस्टेंस काज करती है. तो रेजिस्टेंस कम करने के लिए इनके परों में छोटे छोटे होल होते हैं, उनका भी यहां पे चर्चा किया जाएगा कैसे कम की जाती है, वो अडॉप्टेशन में नेक्स्ट पॉइंट में. द फोर्स ऑफ प्रोपल्शन ऑफ द बर्ड मस्ट ओवरकम दिस रेजिस्टेंस फॉर मूविंग फॉरवर्ड. तो अगर उसने फॉरवर्ड आगे मूव करना है तो रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा और फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा. और वो फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ प्रोपल्शन, खुद को आगे धकेलने की फोर्स. तो नेक्स्ट हम इसको देखते हैं. यहां पर दिखाया गया है जी ये बर्ड, ये एंगल ऑफ अटैक लिखा हुआ है जी. एंगल ऑफ अटैक क्या है जी, कि जब ये एंगल ऑफ अटैक हमारा जो पर है वो बॉडी के साथ अटैच है, बर्ड नहीं उड़ रहा, जब उसने उड़ना शुरू करना है क्या उसने पर फुल खोले हैं, जब वो पर फुल खोलेगा और उसको फ्लैप करेगा, फ्लिपिंग उनकी करेगा और वो पर मारेगा तो तब जो एंगल, जो मैक्सिमम एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ अटैक मैक्सिमम होगा और वो ज्यादा पावर के साथ फ्लाइट कर सकता है. और जब ये एंगल ज्यादा होगा तभी उड़ान भरी जाएगी. और इसके साथ साथ ये तो होगी फर्स्ट लिफ्टिंग के लिए डायरेक्शन ऑफ विंग मोशन दिखाया गया, एयर ड्रैग और लिफ्टिंग होती है. और आप सेकंड पिक्चर में देखें कि जब ये लिफ्टिंग हो रही होती है और बर्ड ऊपर चला जाता है तो टर्ब्यूलेंस हो जाती है. क्या कि जो एयर की जो करंट्स हैं उनमें जो एक लफ्ज है स्टेडी, कि जो रफ थी उसमें जो स्ट्रीम लाइन फ्लो था एयर पार्टिकल का वो खत्म होकर जो है ना वो एक टर्म इसके लिए इस्तेमाल की जाती है कि वो टर्बिड हो जाता है, वो उसकी जो ओरिएंटेशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है और स्ट्रीम लाइन नहीं रहती और वो परों को डिस्टर्ब करती है, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है. तो एक लफ्ज एलूला, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे कि क्या हेल्प करता है. तो हम देखेंगे जी ए में क्या था, अ बर्ड विंग एक्ट एज एन एयर फॉयल, कि परिंदा जब अपने पर खोलता है और उसको मारना शुरू करता है तो उसने उड़ना तो है. तो फर्स्ट डायग्राम में भी यही दिखाया गया है. सेकेंड, इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ अटैक इंक्रीजेस. अब एंगल ऑफ अटैक इंक्रीज होगा तो क्या होगा, बर्ड उड़ेगा भी सही और उसमें टर्बुलेंस भी आएगी, उसके गिर्द जो एयर है वो उसको डिस्टर्ब करेगी कि जी हम तो स्मूथ फॉर्म में पड़े थे और तुमने हमें डिस्टर्ब कर दिया पर मार के, अब इसका कोई हल करो. तो फिर इसका आगे, अभी हमारा यही टॉपिक है आगे, टर्बुलेंस ऑफ एयर, कि इसको कम कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में बताया गया कि आगे इसमें जो है नो डिफरेंट पोर्स हैं, फिर उनको पर जाके खुद फिल करते हैं, कवर करते हैं ताकि इसमें जो है ना वो कोई गैप या प्लेस ना हो, और बल्कि कुछ ओपन भी रहते हैं ताकि उनमें से एयर गुजर जाए और एयर जो है ना वो ज्यादा प्रेशर काज ना करे, नहीं तो इनकी फ्लाइट डिस्टर्ब हो जाएगी. तो इसके साथ साथ एक एलूला होता है स्ट्रक्चर जी पर के अंदर, जैसे हमारे शोल्डर हैं इनके, हाँ अब शोल्डर तो नहीं है इनके, तो इनके ऊपर छोटा स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ फर होता है, हेयर्स होते हैं जो क्या करते हैं, रिड्यूसेस टर्बुलेंस, टर्बुलेंस को रिड्यूस करते हैं ड्यूरिंग डाउन स्ट्रोक. तो डाउन स्ट्रोक जी हमें पता है कि इसका पावर स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक दो स्ट्रोक होते हैं, ये जनरल परों को ऊपर नीचे जब फ्लैप करते हैं. नोट द एलुला ऑन द विंग ऑफ दिस
बेंडेड वल्चर, वल्चर जी इसमें दिखाया गया। इस वल्चर के हमने टर्बुलेंस हम इसको देखेंगे डायग्राम में जो हमारे पास मौजूद है यहां पर। हाँ जी यहां देखें जी, सबसे पहले आप इस डायग्राम में देखेंगे जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर है जी, ये एलुला है और ये जो हमें इस डायग्राम में बर्ड नजर आ रहा है इसका ये फर्स्ट जो अपेंडेज है इन दी इन विंग एलुला है और इधर से भी एलुला है। ये क्या करता है जी, ऐसा शार्प है और फर्स्ट है, ये एयर को मैनेज करने की कोशिश करता है और फिर पर जो है वो ओपन होते हैं और इनके अंदर जो है ना कुछ होल्स होते हैं जो एयर को वहां से गुजरने देते हैं और एयर प्रेशर को कम कर देते हैं। इसी तरह हमारे लास्ट लेक्चर में हमने दो वर्ड्स जो है ना बोले थे, कूट्स बर्ड था एक इस शक्ल का होता है उसके साथ जो है ना वो, इसके अलावा रेल बर्ड्स, रेल यहाँ पे जो है ना वो कॉमन वर्ड इस्तेमाल किया गया है काफी सारे बर्ड्स के लिए, तो ये इस फॉर्म के होते हैं जी इसमें जो नजर आ रहे हैं। तो हमने अभी एलुला देखा, इसके आगे जी हम डिजिट्स नेक्स्ट में हमारा आएगा तो हम उसको भी मजीद इसको एक्सप्लेन करेंगे। टर्बुलेंस ऑफ एयर क्या होती है? टर्बुलेंस ऑफ एयर, एयर रेजिस्टेंस। तो इसके साथ साथ हमने उसको मैनेज कैसे करना है? फोर्स ऑफ प्रोपल्शन इंक्रीजेस द एंगल ऑफ लीडिंग एज ऑफ द विंग। फोर्स ऑफ प्रोपल्शन, जब हम पर ज्यादा तेजी से और जोरदार और फुल हाँ जी, तो हम पढ़ रहे थे टर्बुलेंस ऑफ एयर, तो इसके अलावा हमने अभी पढ़ा नेटवर्क वाईफाई सिग्नल्स तो स्ट्रांग हैं लेकिन फिर भी एरर कभी कभी आ जाते हैं पीटीसीएल में। तो अभी हमने पीछे डायग्राम देखी, अब हम इसको मजीद कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ। तो इसमें है टर्बुलेंस ऑफ एयर, फोर्स ऑफ प्रोपल्शन इंक्रीजेस द एंगल ऑफ लीडिंग एज ऑफ द विंग, एज अ रिजल्ट एन ऑन कमिंग एयर द एंगल ऑफ अटैक इंक्रीजेस लिफ्ट। अब फोर्स जब ज्यादा लगाएंगे कहां पर? एज ऑफ विंग्स पर, और पूरा का पूरा विंग उसको स्ट्रॉन्गली मूव करेगा खुद को, इसके नतीजे में क्या होगा? एंगल ऑफ अटैक भी बढ़ेगा और वो बढ़ेगा तो इंक्रीजेस लिफ्ट, तो बर्ड ऊंचा उठना भी शुरू हो जाएगा। तो द बर्ड मूव अपवर्ड एंड इट्स एंगल ऑफ अटैक कीप ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ता जाता है क्योंकि जो विंग है वो फ्लैप भी तो कर रहे हैं। The flow of air over the upper surface becomes turbulent. अब वर्ड turbid मैंने बोला पहले, turbulent बन जाता है जी, और ये क्या है? बेतरतीब हो जाना, एयर का बेतरतीब हो जाना। और आपको पता है कि स्टेट ऑफ मैटर्स में जो गैसियस स्टेट है उसकी क्या है, उसको जब स्पेस मिलती है तो वो फैलते हैं। जब इनको एयर को जाके बर्ड डिस्टर्ब करता है तो वो भी तो इसके इर्द गिर्द जो है ना फैलने की और खुद की मूवमेंट, पार्टिकल्स एटम्स की मूवमेंट को जो है ना इसके गिर्द लेके आएंगे। जब लेके आएंगे विद द इंक्रीज ऑफ एंगल ऑफ अटैक, अब जो एयर के पार्टिकल्स की तरतीब है वो बेतरतीब हो गई है, और किसके गिर्द? एंगल ऑफ अटैक के गिर्द। इट रेडियोसेस लिफ्ट, बर्ड ने जाके एयर को तंग किया, एयर ने इनकी लिफ्ट को इफेक्ट कर दिया। टू अडाप्टेशन इन बर्ड रिड्यूस दिस टर्बुलेंस, फिर इस टर्बुलेंस को कम करने के लिए, इस टर्बुलेंस को कम करने के लिए क्या होता है कि दो अडाप्टेशन है। पहली अडाप्टेशन, द लीडिंग एज ऑफ विंग हैज स्लॉट्स, शगाफ। शगाफ किसे कहते हैं? होल को कहते हैं। द लीडिंग एज ऑफ विंग्स हैज स्लॉट्स, एयर फ्लो रैपिडली थ्रू दीज स्लॉट्स, हवा तेजी से इन स्लॉट्स में से गुजर जाती है एंड रेडियस टर्बुलेंस, और टर्बुलेंस कम हो जाती है। इसके साथ साथ Some birds also have alula on the anterior margin of the wing, और anterior किसे कहते हैं? अपर पार्ट को और फ्रंट पार्ट को।
तो एंटीरियर, अभी हमने विंग पर जब फॉर्म में देखी हो, एंटीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, डॉर्सल वेंट्रल, आपको चारों चीजें पता है। द एलोला इज ग्रुप ऑफ स्मॉल फीदर्स, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया आप लोगों को, एलोला इज अ ग्रुप ऑफ स्मॉल फीदर्स सपोर्टेड बाय, और इसको सपोर्ट कौन करता है, मेडियल डिजिट्स करते हैं, और मेडियल डिजिट्स को जब हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा दरअसल हमारे विंग के अंदर, हमारे बर्ड्स के विंग्स के अंदर हमारी उंगलियों की तरह, हमारे हाथ की उंगलियों की तरह डिजिट्स हैं, और तीन डिजिट्स हैं। इस डायग्राम में देखिए, डिजिट वन, डिजिट टू, डिजिट थ्री, ये विंग के अंदर हैं जो फीडर्स को हेल्प करते हैं, जो फीडर्स को हेल्प करते हैं मूवमेंट में, और इसके अलावा बाकी तमाम जो है वर्क में। तो द स्लॉटिंग ऑफ द फीडर्स, अब स्लॉट क्या है, शगाफ है, शगाफ में से हवा का गुजरना स्लॉटिंग कहलाता है ऑफ फीडर्स, एंड द प्रेजेंस ऑफ एन एलूला रिड्यूस टर्बुलेंस, एलूला और स्लॉट की प्रेजेंस टर्बुलेंस को कम कर देती है, और टर्बुलेंस क्या है, एयर रेजिस्टेंस है, और एयर रेजिस्टेंस से पैदा होने वाली डिस्टर्बेंस है, टर्बिडनेस है, टर्बुलेंटनेस है, जो क्रिएट हो जाती है हवा में किन के गिर्द, बर्ड्स के विंग्स के गिर्द। तो द एंगल ऑफ अटैक इंक्रीजेस ड्यूरिंग टेक ऑफ, जब टेक ऑफ होता है, बर्ड उड़ता है, तो इसका एंगल ऑफ अटैक बढ़ता है, एंड लैंडिंग, द एंगल ऑफ अटैक इंक्रीजेस ड्यूरिंग टेकिंग ऑफ एंड लैंडिंग, और जब इसने लैंड करना हो तब भी इंक्रीज करता है, और जब इसने टेक ऑफ करना हो तब भी इंक्रीज करता है, एंगल ऑफ अटैक दोनों सिचुएशन में इंक्रीज करेगा। तो उसके बाद है जी होवरिंग फ्लाइट, बर्ड होवरिंग फ्लाइट का तज़किरा उसने कर दिया, लेकिन यहां पर उसकी डेफिनेशन इसने नहीं लिखी, लेकिन मैंने मेंशन कर दिया, लिखा हुआ है मेंटेन्स अ कांस्टेंट पोजीशन, मेंटेन्स अ कांस्टेंट पोजीशन, यही है जो मेंटेन करता है एक एक कांस्टेंट पोजीशन को। पर क्यों, जैसे एक हेलीकॉप्टर एक जगह रुक कर काफी देर किसी चीज को ऑब्जर्व कर सकता है, इसी तरह बर्ड्स में भी ये फीचर है कि काफी देर अपने परों को हिलाते हुए वो नेक्टर भी चूस सकते हैं और कहीं पर सस्टेन होकर एक जगह रुक भी सकते हैं। दस एलूला इज एलिवेटेड, दस एलूला इज एलिवेटेड, और जब एलूला एलिवेटेड होता है तो क्या होता है, द एंगल ऑफ अटैक डिक्रीजेस ड्यूरिंग सोरिंग एंड द फास्ट फ्लाइट्स। तो एलूला एलिवेटेड हो जाता है जब फ्लाइट ऊपर भरनी हो, या फिर लैंड करना हो, या होवरिंग करना हो, एलूला उस वक्त एलिवेटेड हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो गया, द एंगल ऑफ अटैक डिक्रीजेस ड्यूरिंग सोरिंग, और जब जब सोर शगाफ में से एयर गुजर रही होती है तो इसके साथ साथ सोरिंग जो है ना, वो हमने अभी स्टार्ट में भी ये वर्ड पढ़ा था कि सोरिंग, हमने कहा था बर्ड का उड़ान भरना है, ऊपर उठना है, उस दौरान क्या होता है, जो एंगल ऑफ अटैक है डिक्रीज हो जाता है, एंड फास्ट फ्लाइट। फिर से इस पॉइंट को देखते हैं, द एंगल ऑफ अटैक डिक्रीजेस ड्यूरिंग सोरिंग, ऊंचा जाना जी, बर्ड ने जब ऊंचा जाना होता है, एक तो उड़ना है, इसके अलावा जब उसने ऊंची उड़ान भरने के दौरान वो मजीद ऊपर जाना चाहता है तो फास्ट फ्लाइट, फिर आगे भी, सिर्फ ऊंचा ही नहीं आगे भी जाना है, तो ये क्या करता है, एंगल ऑफ अटैक को कम करता है, इट रिड्यूसेस स्लॉट, इट रिड्यूसेस स्लॉट। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास, स्ट्रोक्स ऑफ विंग्स, विंग्स के स्ट्रोक्स जी, विंग हमें पता है कि विंग्स ऊपर और नीचे जो है वो खुद को अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं, तो फ्लैपिंग ऑफ, फ्लैपरिंग ऑफ इसकी होती है विंग्स की, तो फिर वो उड़ सकते हैं इस लिहाज से। इसके साथ साथ इस पॉइंट को आप लोगों ने, जो लास्ट लाइन है, इसको मजीद फोकस करना है कि एंगल ऑफ अटैक डिक्रीजेस ड्यूरिंग सोरिंग एंड फास्ट फ्लाइट, इट रिड्यूसेस स्लॉट। स्ट्रोक्स ऑफ विंग्स, द डिस्टल पार्ट्स, इस पॉइंट में ये कहा जाएगा कि विंग्स का जो डिस्टल पार्ट है, और जब विंग फ्लैपरिंग कर रहा होता है, फ्लैप कर रहा होता है, तो इसका जो एंड पार्ट है वो ज्यादा जो है ना वो हरकत कर रहा होता है, और ज्यादा जोर जोर से फड़फड़ा रहा होता है। तो द डिस्टल पार्ट ऑफ द विंग जनरेट्स प्रोपल्सिव फोर्स फॉर फ्लाइट, ज्यादा से ज्यादा फ्लैपरिंग वही करता है।
distal end of wing is further from the shoulder joints. अब इसका shoulder क्या होगा? आप कभी पिजन के परों को देखें तो इसके जो पर इसके शोल्डर के जो करीब हैं थोड़ा सा बेंडेड होते हैं, थोड़े से बेंडेड होते हैं. अगर उस पोजीशन को हम देखें, उस पोजीशन को हम देखें तो इसके जो डिस्टल पार्ट है वो बहुत दूर एंड वाले पर हैं जिस पर खूबसूरत पैटर्न बने होते हैं. देयरफॉर डिस्टल पार्ट ऑफ द विंग मूव्स फर्दर एंड फास्टर देन द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द विंग. जो डिस्टल पार्ट है, जो परों का सबसे आखिर वाला एज है, वो तेजी से मूवमेंट करता है और ज्यादा मूवमेंट करता है बनिस्पत प्रॉक्सिमल. और प्रॉक्सिमल कहाँ होता है? फ्रंट के पास होता है. तो इस डायग्राम में हम देखते हैं, होवरिंग की डेफिनेशन आ गई है. यहां देखें, ये जो पर है जी, ये एंड एज है, ये डिस्टल एंड है, और ये जो शोल्डर के साथ है ये प्रॉक्सिमल एंड है. तो इसमें आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए. ड्यूरिंग पावर हमने जो है द डॉन स्ट्रोक इससे पहले अभी हमारा स्ट्रोक्स ऑफ विंग्स जारी था, देयरफॉर ये अभी हमने पढ़ लिया. द विंग्स प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स, दो तरह के स्ट्रोक्स प्रोड्यूस करते हैं, पावर स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक. तो मूवमेंट करने के लिए दोनों स्ट्रोक्स चाहिए होते हैं. क्या होता है जी? द डाउन स्ट्रोक इज कॉल्ड द पावर स्ट्रोक. ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक द लीडिंग एज ऑफ द डिस्टल पार्ट ऑफ द विंग मूव्स स्लाइटली डाउनवर्ड. तो अभी हमने देखा डिस्टल पार्ट कौन सा होता है, वो डाउनवर्ड मूव करता है. इट क्रिएट्स अ थ्रस्ट, उछलना, लाइक एयरप्लेन, तो जहाज की तरह जी थोड़ा सा उछलना ऊपर. और फीदर्स ओवरलैप ऑन अ विंग, और जो पर हैं एक दूसरे पर लगते हैं. दरअसल परों की भी आपस में ओरिएंटेशन होती है, सारा का सारा एक पर नहीं होता, इनमें छोटे बड़े किस्म किस्म के पर होते हैं. आपने टाइप्स ऑफ फीदर में सारे पढ़े हैं पीछे. ड्यूरिंग हमारे पास देयरफॉर एयर पासेस थ्रू फीदर्स एट द विंग मार्जिन टुगेदर ड्यूरिंग द डाउन स्ट्रोक. जब डाउन स्ट्रोक होता है तो एयर इनके खींच गुजरती है, और जब एयर गुजरेगी तो प्रोपल्सिव फोर्स पैदा होगी जिसकी वजह से अपलिफ्ट होगी. द फीदर्स डू नॉट अलाउ एयर टू पास बिटवीन देम. इनमें से नीचे से नहीं गुजरने देते, अंदर से नहीं गुजरने देते, क्योंकि अंदर इनके पास क्या थे? स्लॉट थे. स्लॉट इस वक्त बंद होते हैं, वो जाके ऊपर जब टर्बुलेंस पैदा होती है तब खुलते हैं. इट इंक्रीजेस द लिफ्ट एंड प्रोपल्सिव फोर्स. तो ये प्रोपल्सिव फोर्स और लिफ्ट को प्रमोट करती है. तो हमारे पास इसकी सेकेंड टाइप है जी, रिकवरी स्ट्रोक. द अप स्ट्रोक इज कॉल्ड रिकवरी स्ट्रोक. ड्यूरिंग रिकवरी स्ट्रोक द डिस्टल पार्ट ऑफ द विंग इज ओरिएंटेड अपवर्ड. इट डिक्रीजेस रेजिस्टेंस. फीदर्स स्लाइटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर ऑन द अप स्ट्रोक. इट अलाउज एयर टू पास बिटवीन देम. गुजरने देती है, क्यों? टर्ब्यूलेंस को कम करने के लिए. इट रिड्यूसेस रेजिस्टेंस ड्यूरिंग रिकवरी स्ट्रोक. तो रोल ऑफ टेल, टेल का क्या रोल है जी? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैंडिंग में टेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. इसके साथ साथ परिंदे का मुड़ने में रोल है, और ब्रेकिंग. आपको पता है कि आपने कभी फ्लाइंग जेट जो है, हमारे जो जंगी जहाज होते हैं, वो जब उन्होंने अचानक रुकना होता है तो उनके ऊपर पीछे जो पैराशूट लगा होता है, तो ऐसा समझें कि वो एयर ब्रेक, उसको एयर ब्रेक कहते हैं. तो बर्ड्स के भी जो टेल्स होते हैं, खासतौर पर जो 90 के एंगल पर या इससे कम एंगल पर मौजूद होते हैं बर्ड्स में, कुछ बर्ड्स में होते हैं जी इरेक्ट होते हैं, तो उनमें क्या होता है जी, ये एयर ब्रेक्स के तौर पर काम भी करते हैं. द टेल ऑफ बर्ड एक्ट एज बैलेंसिंग. पहला काम जी इसका बैलेंसिंग है. सेकेंड काम इसका स्टीयरिंग है, ये सिमत मोड़ने के लिए रोल प्ले करता है. थर्ड ब्रेकिंग, हाँ जी, अचानक ब्रेक लगाने के लिए, रोकने के लिए बर्ड को कि इस तरफ नहीं जाना. स्ट्रक्चर्स ड्यूरिंग फ्लाइट्स, ये टेल जो है इसके स्ट्रक्चर के तौर पर काम करता है फ्लाइट के दौरान. इट आल्सो इनहेंसेस द लिफ्ट ऑफ विंग्स ड्यूरिंग लो स्पीड फ्लाइट. जब फ्लाइट जो है ना वो स्लो हो और विंग्स इतना एफिशिएंटली वर्क ना कर रहे हों, तो फिर ये जो टेल है ये भी रोल प्ले करती है. द बर्ड्स स्प्रेड द टेल ड्यूरिंग हॉरिजेंटल फ्लाइट्स. जो बर्ड्स हैं वो स्प्रेड कर लेते हैं टेल को, परों को फैला लेते हैं जब फ्लाइट हॉरिजेंटल हो, जब आसमान पर इन्होंने एयर करंट के साथ मूव करना हो. इट इंक्रीजेज लिफ्ट एट द रियर साइड ऑफ द बर्ड. रियर साइड ऑफ द बर्ड, अगर एक बर्ड की साइड जो है वो इफेक्टेड है या वर्क एफिशिएंसी कम है, तो इस हिसाब से ये उस साइड को सपोर्ट करती है, क्योंकि बैलेंस करना इसी का काम है. एज अ रिजल्ट बर्ड डिप्स द हेड फॉर डिसेंट. हेड नीचे करना, हमें पता है कि इनकी जो शेप है वो स्ट्रीमलाइन होती है,
स्ट्रीमलाइन के साथ साथ क्या होती है, सामने से जो है वो कर्व्ड होती है, थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है, इसकी चोंच जो है ना वो टिप का काम करती है। अगर उड़ते हुए परिंदे का जो सर है वो नीचे की तरफ झुक जाए तो जाहिर है कि वो जो एयर को चीरता हुआ गुजरता जा रहा है तो उसकी तो जो है ना मूवमेंट भी इफेक्ट होगी और बर्ड का नीचे आना तय है। तो इस दौरान क्या करती है, जो टेल है वो रोल प्ले करती है और बर्ड को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होने देती। द क्लोजिंग द टेल फीदर्स हैज द अपोजिट इफेक्ट, और अगर इस दौरान फीदर टेल नहीं खुलती तो फिर इसका अपोजिट असर होता है जी। और इसका क्या अपोजिट असर होता है जी, पहले जो बैलेंसिंग कर रहा था वो एक साइड से बजाय फिर दूसरी साइड पे जो है ना इफेक्ट शो करता है, फिर इसके टर्न में और इसके मूवमेंट में ये रोल प्ले कर सकता है। तो टिल्टिंग, झुकना ऑफ टेल साइडवेज टर्न्स द बर्ड, बर्ड इस टेल का झुकना मोड़ सकता है परिंदे को। टेल एक्ट एज एयर ब्रेक के तौर पर काम करती है। द टेल मूव्स डाउनवर्ड ड्यूरिंग लैंडिंग ऑफ बर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो टेल है वो क्या करती है, जब लैंड कर रहा होता है बर्ड्स तो इसकी जो अपीयरेंस होती है और इसकी जो मूवमेंट होती है वो डाउनवर्ड होती है। इन सम स्पीशीज लाइक सन बर्ड्स एंड विडो बर्ड्स द टेल्स ऑफ द मेल्स हैव स्पेशल ऑर्नामेंटेशन, इनमें सजावट होती है इनकी टेल्स में, इट अट्रैक्ट्स फीमेल एंड इम्प्रूव चांसेस फॉर रिप्रोडक्शन। तो कोर्टशिप बिहेवियर आप लोगों ने पढ़ा है, तो चांसेस ऑफ अट्रैक्टिंग समथिंग आर देयर मेट इंक्रीज हो जाता है। तो टाइप्स ऑफ फ्लाइट में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स हैं, तो मेजरली देखते हैं कौन कौन सी हैं। डिफरेंट बर्ड्स यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लाइट, डिफरेंट बर्ड्स में जो काइंड्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो इनमें हमारे पास सबसे पहली है ग्लाइडिंग फ्लाइट्स। The wings remain stationary during gliding flights and the bird loses altitudes. Waterfowl use gliding flight for landing. अब हमारे पास क्या होता है ग्लाइडिंग फ्लाइट में कि हम जो है वो सहारा लें एयर का कि उसके साथ जो है ना थोड़ी सी बैलेंसिंग, परों का इस्तेमाल हम करेंगे। वैसे तो स्टेशनरी का मतलब है कि परों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, लेकिन अगर हम इसको कहें कि बगैर परों के इस्तेमाल के बर्ड नीचे लैंड कर रहा है तो फिर हम सोरिंग फ्लाइट में कहाँ जाएंगे, जिसको परों को हिलाए जो है ना परों को हिलाए बगैर हवा में रहना, तो इसमें डिफरेंस आ जाएगा। तो फ्लैपिंग फ्लाइट्स, तो परों के चलाने का परों के इस्तेमाल से फ्लैपिंग फ्लाइट जनरेट्स द पावर फॉर फ्लाइट, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्लाइंग। Many variations are present in the wingship, therefore flapping pattern is different in different species. बहुत आसान बात। उसके बाद soaring flights, परों को हिलाए बगैर हवा में रहना। Soaring flight allows some birds to remain in air without spending much energy. तो परिंदों का energy खर्च किए बगैर ही हवा की लहरों में लहलहाते फिरना soaring flight कहलाता है। Wings remain stationary during soaring. The bird uses updrift and air currents to gain altitude, ऊंचाई पर जाने के लिए भी हवा की जो नीचे से जोरदार लहर ऊपर जा रही है उसके साथ होते हुए ऊंचाई पर चले जाना। अब ये क्या मसला हुआ कि एयर नीचे से ऊपर कैसे हरकत करती है, तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि मूवमेंट ऑफ एयर विंड कहते हैं उसे, और विंड सारा साल मानसून हवाएं और बाकी हवाएं तब कैसे चलती हैं, आपने पढ़ा है कि जो इक्वेटर है वहां गर्मी ज्यादा पड़ती है, एयर गर्म हो जाती है, तो एयर गर्म होने के बाद हल्की हो जाती है, हल्की होकर ऊपर की तरफ उठ जाती है और उसकी जगह नीचे से लेती है ठंडी हवाएं जो समंदर की तरफ से चलती हैं। और अगर इस तरह एयर ऊपर जाएगी तो वो क्या परिंदों को ऊपर नहीं लेके जाएगी, वो जाएगी तो परिंदों को लेकर ही जाएगी, इसलिए सोरिंग फ्लाइट है और परिंदे इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। तो हॉग्स वल्चर्स आर सोरिंग बर्ड्स, दे एनसर्कल द माउंटेन वैलीज, तो उसके गिर्द घूमते हैं, घूमने के साथ साथ हवा जब ऊपर उठ रही होती है उसके साथ चले जाते हैं। दे सोर डाउन विंड्स टू पिक अप स्पीड्स, तो लव्स अप ड्रिफ्ट। हाँ जी, अप ड्रिफ्ट इसका मीनिंग जो है मैंने कहीं लिखा है तो यहां पर शो नहीं हो रहा, तो मैं फिर बता रहा हूं।
एन अपवर्ड करंट ऑफ एयर. अप ड्रिफ्ट का मतलब है अपवर्ड करंट ऑफ एयर, जो अभी मैंने फिलोसफी बताई है वो अप ड्रिफ्ट ही है एयर की. द सोल डाउनविंड टू पिक अप स्पीड्स, और फिर जब एयर नीचे की तरफ मूव कर रही होती है उन इलाकों में जहां एयर ठंडी है, और उसने उस जगह को घेरना है जहां से एयर ऊपर की तरफ मूव कर गई और एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है और एयर ने वहां जाना है, तो ऐसी जगहों पर भी परिंदे अगर नीचे आने चाहें तो वो इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं. देन दे टर्न अपविंड टू गेन आल्टीट्यूड, दोबारा अपविंड का हिस्सा बन जाते हैं और फिर वो ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं. देन द बर्ड स्लोज डाउन एंड स्टार्ट्स लूजिंग आल्टीट्यूड, और जब ये स्लो हो जाता है जाहिर है फिर इसने नीचे आना है. इट टर्न्स डाउनविंड अगेन, फिर ये डाउनविंड का पार्ट हो जाता है. द विंग्स ऑफ मेनी सोरिंग बर्ड्स आर वाइड एंड स्लॉटेड, वाइड चौड़े स्लॉटेड, इनमें होल्स होना जिनमें से टर्बुलेंस एयर गुजर सके. इट इंक्रीजेज एयर एक्टिविटीज एट रिलेटिवली लो स्पीड, ये अपनी एक्टिविटीज लो स्पीड पर करते हैं ताकि ज्यादा एनर्जी खर्च ना हो. ओशियनिक सोरर्स लाइक फ्रिगेट बर्ड्स हैव लॉन्ग नैरो विंग्स, लॉन्ग नैरो विंग्स होती हैं ताकि फटीक भी ना हो और ज्यादा दूर दूर तक मूव भी कर सकें. और ये वर्ड पढ़ के हमारे जहन में फौरन बात आ जाती है कि हमने कई बार जो हमारे पास नेशनल जियोग्राफिक की वीडियोज हैं या इसके अलावा डिस्कवर पाकिस्तान और इसके अलावा भी काफी सारे चैनल हैं डिस्कवरी के, जब हम देखते हैं तो इनमें ये बर्ड्स और इनकी फ्लाइट हमें समटाइम्स टीवी पर देखने को मिल जाती हैं. दीज विंग्स प्रोवाइड मैक्सिमम लिफ्ट एट हाई स्पीड. कौन से विंग्स? ओशियनिक सोरर्स, नैरो लॉन्ग नैरो विंग्स, लॉन्ग नैरो विंग्स हैं जो मैक्सिमम लिफ्ट करती हैं एट हाई स्पीड. बट इट रिड्यूसेस देयर एक्टिविटीज, एक्टिविटीज रिड्यूस हो जाती हैं. इट आल्सो मेक्स टेक ऑफ एंड लैंडिंग डिफिकल्ट, और इनके लिए टेक ऑफ करना और लैंडिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है. तो इसके बाद होवरिंग फ्लाइट्स क्या है जी? होवरिंग फ्लाइट, ह्यूमिंग बर्ड परफॉर्म होवरिंग फ्लाइट, कि एक ही जगह थोड़ा सा रुकना, पोजिशन को मेंटेन रखना और परों को घुमाते रहना. दे फैन देयर विंग्स बैक एंड फोर्थ, होवर इन स्टिल एयर, अपने परिंदे ये जो पर हैं अपने उनको घुमाते हैं आगे और पीछे. इन स्टिल एयर कैरी हुई हवा में बाय 50 to 80 बीट्स पर सेकेंड, ताकि वो उसी जगह पर कायम रहें जहां वो खड़े हैं. दे रिमेन सस्पेंडेड इन फ्रंट ऑफ फ्लावर, तो ये खड़े रहते हैं और बेचारे वहीं के वहीं सस्पेंडेड, धसे होना को कहते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पर रिमेन सस्पेंडेड, उधर ही खड़े रहते हैं इन फ्रंट ऑफ फ्लावर फूल के गेट सामने. आर फीडिंग स्टेशन ड्यूरिंग हॉवरिंग, और ऐसी जगह जहां इनकी खुराक है, तो फिर अगर ये बैठना नहीं चाहते तो फिर उसको अपनी खुराक हासिल करने के लिए इनको हॉवरिंग करनी पड़ेगी, खुद को मेंटेन करना पड़ेगा और परों को हिलाए हुए हवा में रहना. तो यही चीज है. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स का यहाँ पे तस्करा किया गया जी, ये नाम आप एक बार पढ़ेंगे. और नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रिपेयर करेंगे. कोई भी क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से रिलेटेड हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, हम आपको उसका जवाब देंगे. तो अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.